नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों, हर रोज राशिफल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले घंटे बटन को जरूर दबाएं, ताकि राशिफल रिलेटेड वीडियोस आपको हर रोज मिलती रहे। दोस्तों, आज का इस वीडियो का मुख्य विषय है 17 जनवरी की कुंभ राशिफल। जी हाँ दोस्तों, 17 जनवरी कुंभ राशि मिलेगी किस्मत का साथ, भगवान भोलेनाथ देंगे मनचाहो वरदान। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ विशेष बातें, जैसे कि किस तरह मिलेगा किस्मत का साथ, किस तरह मिलेगा भगवान भोलेनाथ जी का मनचाहो वरदान, किस तरह रहेंगे सकारात्मक बातें, किस तरह रहेंगे नकारात्मक बातें, लव लाइफ किस तरह से रहेगी और स्वास्थ्य राशिफल किस तरह से रहेगा, इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, 17 जनवरी को पौष कृष्ण पक्ष तिथि सप्तमी और शुक्रवार का दिन है। सप्तमी तिथि सुबह 7:28 तक ही रहेगी। साथ ही चित्रा नक्षत्र पूरा दिन पार करके अगले दिन सुबह 1:09 तक रहेगा। अगर हम शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोपहर को 12:26 से लेकर 1:10 तक रहने वाला है, और अशुभ मुहूर्त जो कि सुबह 11:25 से लेकर 12:48 तक रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं किस तरह मिलेगा किस्मत का साथ। आपके द्वारा की गई यात्रा लाभदायक रहेगी, मानसिक तनाव से छुटकारा प्राप्त होगा, आपको अपने कामकाज में लगातार सफलता हासिल होगी, बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा, आप व्यापार में लगातार तरक्की हासिल करेंगे, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां दूर हो सकती है, घर परिवार की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, आपका निजी जीवन अच्छा रहेगा, आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, आज आपका दिन अच्छा रहेगा, ऑफिस के किसी सहकर्मी से मदद मिल सकती है, कार्यक्षेत्र में तरक्की होनी तय है। इस राशि की महिलाएं नए कपड़े या घर का कुछ सामान खरीदने के लिए शॉपिंग पर जा सकते हैं, किसी दोस्त की मदद से कोई जरूरी काम बन सकता है, कोई किसी तरह के या कोई तरह के रोचक विचार और योजनाएं भी बन सकती हैं। आज के दिन यात्रा करते हुए सामान या पैसों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अपने बिजनेस में नए प्रोग्रेस और नए प्रयोग करने में आप सफल होंगे, आज आप जो भी काम करने की सोचेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, पहले किए गए कामों से भी आज बेहतर परिणाम प्राप्त होगा, अधिकारी वर्ग आपके काम की तारीफ करेंगे, भगवान विष्णु को पीला वस्त्र चढ़ाएं, रोजगार के अवसर आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं किस तरह मिलेगा भगवान भोलेनाथ जी का मनचाहा वरदान। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपके द्वारा लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय फायदेमंद साबित हो सकता है, आपकी सभी योजनाएं प्रगति पर आएंगी, दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा, आपको जीवन साथी से कोई उपहार भी प्राप्त हो सकता है, कार्यस्थल की परिस्थितियां आपके पक्ष में रहने वाली है, आप अपने काम से संतुष्ट रहेंगे, आप अपनी वर्तमान नौकरी बदलने का विचार बना सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है, आपको अपनी कठिन मेहनत का अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, आज कामकाज ज्यादा रहेगा, कार्यक्षेत्र में मदद मिलेगी, छात्र पढ़ाई की अपेक्षा खेल कूद में अपना गौर केंद्रित करेंगे, आपके अतीत का कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करेगा और आपका समय यादगार रहेगा, पूरे दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होगा, बिना सच्चाई जाने किसी बात या अफवाहों को सुनकर कोई भी निर्णय ना ले, महत्वपूर्ण फैसले आपको करने पड़ सकते हैं, वर्तमान समय आपके लिए उचित साबित होने वाला है, घरेलू सुख सुविधाओं की चीजों पर जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें, नया काम या कारोबार की स्टार्टिंग के लिए दिन बहुत ही अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा, जॉब में आने वाली सभी परेशानियां खत्म होगी, नौकरी करने वाले लोगों को खास सलाह है कि आज अपने बॉस से ना उलझें, पैसे के लेन देन पर नजर रखनी होगी क्योंकि उसकी वजह से भी नुकसान भरी परिस्थितियां बन सकती है,
दूसरों की खामियों को खोजने में समय बर्बाद ना करें। तो दोस्तों आप बात करते हैं सकारात्मक बातें किस तरह से रहने वाली हैं। एक छोटी यात्रा की भी संभावना बन रही है। नेटवर्किंग और अपने व्यावसायिक अवसरों को बढ़ाने के रूप में प्रयोग करें। उन मामलों में अधिक रुचि रखेंगे जिन्हें आप काफी समय से नज़रअंदाज कर रहे थे। अपने पड़ोसियों, सहपाठियों और दोस्तों से रिश्ता आपके लिए प्राथमिकता हो सकती है। पदोन्नति या वेतन वृद्धि आपको मिल सकती है, बस आप लगातार मेहनत करते जाएं। छात्र स्वयं की योग्यता या बुद्धिमत्ता के आधार पर सफलता प्राप्त करेंगे। घर के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। यह दिन आपके लिए उत्तम है। फल की चिंता ना करें, मेहनत करते रहें। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई से मन न चुराए। किसी आसान रास्ते पर चलने का सपना देखते हुए आप कहीं आलसी न होते चले जाएं, इसका ध्यान जरूर रखें। यात्रा का योग आपकी राशि में दिखाई दे रहा है। इस अवधि में आपको अपनी बढ़ी हुई एकाग्रता का लाभ उठा सकते हैं। आप अधिक समय सोचने में व्यतीत कर सकते हैं, इसलिए आप अपने निजी मुद्दों जैसे परिवार और प्रियजनों के बारे में सोचें। अपने मालिक या अधिकारी से आपके विचारों को शेयर करने का सही समय ढूंढें। इस राशि के बिजनेसमैन को आज काफी अच्छा फायदा मिल सकता है और नए क्लाइंट भी बन सकते हैं। खानपान पर संयम रखिएगा, मामूली बातों पर उग्र होने से बचें, अन्यथा झगड़ा होने में समय नहीं लगेगा। जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी-कभी ही होती है, उनसे बातचीत और संपर्क करने के लिए अच्छा दिन है। तकदीर आपके साथ है और आपकी मेहनत भी रंग ला सकती है। आपको अपने द्वारा किए गए परिश्रम का फल भी आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों आप बात करते हैं किस तरह रहेंगे नकारात्मक बातें। इस समय आपके लिए कुछ ऐसे लोगों जैसे एजेंटों या ब्रोकर्स को ढूंढना बेहद जरूरी है जो आपके लिए नए विचारों की वास्तविकता में परिवर्तित करने में मदद करेंगे। इस अवधि में चर्चा और बहस की भी संभावना बन रही है। कुछ कनेक्शंस अभी अंतिम चरण में हो सकते हैं जिससे आपको परेशानी होगी। उन वित्तीय साधनों में निवेश न करें जो आपके पास नहीं है। इसके बजाय आगे बढ़ने से पहले अपनी वास्तविक शक्तियों और सीमाओं का मूल्यांकन करने के लिए समय निकालें। किसी ऐसी व्यक्ति के साथ बातचीत में कटुनीति बने जिसके साथ आप काम करने के लिए इच्छुक है। आपका दिन व्यस्तता में बीतेगा। कामकाज में ज्यादा मेहनत के बावजूद कुछ कम सफलता आपको मिल सकता है। किसी काम के लिए जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे, आपको उतनी ही परेशानी महसूस हो सकती है। आपके काम कुछ समय के लिए अटक सकते हैं। ऑफिस में काम का लोड बढ़ सकता है। आज के दिन चींटियों को आटा डाले, काम में आ रही सभी रुकावटें दूर होगी। आर्थिक मामलों में आपको सावधान रहना है। किसी को भी धन का उधार नहीं देना है, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। अत्यधिक भोजन से बचें और पेट की समस्याओं के प्रति ज्यादा लापरवाही न बरतें। आपकी आमदनी का जरिया बहुत ही तेज होने वाला है। आपके सामने कोई अच्छे विकल्प है जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। खुद के लिए पैसा बचाने का आपका विचार पूरा हो सकता है। आप अच्छी बात कर सक पाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। आपको प्रेम संबंधित मामलों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आप अपने लव पार्टनर के साथ अच्छा पल व्यतीत करेंगे। आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। आप अपने भविष्य की योजनाओं पर सोच विचार कर सकते हैं। घरेलू जरूरतों पर आप पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। आपके द्वारा की गई कोशिश सफल रहने वाली है। आपका मन शांत रहेगा। आप किसी मनोरंजक यात्रा पर भी जा सकते हैं। जिंदगी में आए परिवर्तन आपके रोमांटिक रिश्ते को नया आकार दे सकते हैं। आज लोगों से मिलने जुलने में आपका अधिक समय बीतेगा। अपने लवर का ध्यान आकर्षित करने और रोमांस के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और इसके बाद प्यार के जादू का चमत्कार देखें। अगर आप किसी रिश्ते में नहीं हैं, तो आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली है क्योंकि आप आज अपने प्यार को पा सकते हैं।
अगर आप कमिटेड हैं तो आपका रिश्ता दुविधा से भरा है। एक भावपूर्ण संपर्क आपको एक शानदार और समृद्ध अनुभव प्रदान करेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। शारीरिक और भावनात्मक दोनों रूप से आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। तो दोस्तों, इस तरह से 17 जनवरी के दिन कुंभ राशि वालों को किस्मत का साथ मिलने वाला है और साथ ही भगवान भोलेनाथ जी भी मनचाहा वरदान देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की स्टूडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।